पटना में जिस तरह से पानी भर गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता निकले रूट पे आए और देखा कि क्या स्थिति है, भाजपा का क्या स्थिति? भाजपा का कोई अलग स्टैंड थोड़ी है। जिस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री ये सारे स्टैंड को अपने कमान में रखे हुए हैं, जा रहे हैं, जा करके स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, सारे सम्प हाउस का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं सारे कहां कहां पानी लग रहा है। सरकार संजीदा है, सरकार इस परिस्थिति से निपटने में सक्षम है और सरकार जो है निगाह बनाए हुए है कि पटना में पानी आएगा लगेगा लेकिन पानी निकलेगा भी। आप बता रहे पानी निकलेगा, खुद बीजेपी के पास नगर नगर विकास मंत्री भी बीजेपी के हैं और सरकार भी एनडीए का है। मैं इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं और आगे भी सरकार जो है हम ही लोग का बनेगा, जनता बनाएगी। लेकिन जो 45 साल पहले कांग्रेस के द्वारा नाली का जो नक्शा का निर्माण हुआ था और जो सरकारी भवन जो नीचे बने थे, जो कॉलोनियां अनाधिकृत रूप से बस चुकी है, जो नीचे लेयर में बसा हुआ है, उसका भुक्तभोगी तो आने वाले जितने सरकार होंगे सबको होना पड़ेगा। 45 साल के बाद एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार में विकास करना चालू किया और आज जो है या पटना में फ्लाई ओवर देख रहे हैं, नाला का निर्माण देख रहे हैं, सड़क का निर्माण देख रहे हैं, ये सब जो है एनडीए गवर्नमेंट में। तो थोड़ा डेवलपमेंट में समय लगेगा और कहीं देखिएगा पाइपलाइन का खुदाई हुआ है, कहीं जो है आप देखिएगा गैस पाइपलाइन है, कहीं पर जो है निर्माण चल रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है। तो ये सब निर्माण का जो काम है थोड़ा ये विकास चल रहा है। और कोरोना काल में मजदूर का भाव हो गया, काम 2-3 महीना बंद हो गया, जिसके चलते असुविधा हुआ, काम रुका है। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा कि भविष्य का पटना बहुत सुंदर होगा। इस तरह का प्रॉब्लम को हम एक हद तक ठीक कर लेंगे कि पानी लगेगा, पानी तुरंत निकलेगा। 39 सम्प हाउस है पटना में, 39 सम्प हाउस में जनरेटर लगाया गया है, 39 सम्प हाउस में अलग से ट्रांसफार्मर करके एक्स्ट्रा बिजली की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों पर नकेल कस करके अधिकारी को उसमें लगाया गया है और जो अक्षम अधिकारी थे उनको हटाया गया है। तो सरकार संजीदा है, मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ये सारे उस पर निगाह बनाए हुए हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि पटना में बारिश होगी तो पानी लगेगी लेकिन पानी का निकास तुरंत होगा। प्रतिपक्ष ने इल्जाम लगाया है कि चाहे जो हो सिर्फ घोटाले की सरकार है, इसमें भी घोटाला कर गए और पटना को पानी में डाल दिया। जिस प्रतिपक्ष का जन्म ही घोटाला परिवार में हुआ हो उससे आप और दूसरा कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। उनके पिता के कार्यकाल में जब सड़क पर भैंसी धोया जाता था, गड्ढे जब सड़क में गड्ढे बने हुए थे और जब उसमें पानी जमा होता था तो तालाब समझ करके उसमें जानवरों को धोते थे चरवाहे। तो उस सरकार से आप उम्मीद और उस तरह के सोच के लोगों से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष बार बार डिमांड कर देते हैं कि पटना का नक्शा लाइए, पटना का नक्शा कहाँ है? अरे तो वो अपने सिस्टम है, वो राजद के कार्यकाल में जो नक्शा बनाए थे वो नक्शा कहाँ रख दिए हैं? उन्हीं के पास न होगा, वही ना नक्शा गायब किए हैं कि दूसरा कोई किया है? अरे नक्शा टेलीविजन पर नहीं मिलता है, नक्शा आरटीआई से मिलता है, कोर्ट से मिलता है। नक्शा फाइलिंग करना पड़ता है, उसको मंगाना पड़ता है उस विभाग से। तो विभाग में कहीं चिरकुट है कि आपने खोजा है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.